हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दीपावली का दिन, शाम के बज रहे हैं करीबन 4 और हम कर रहे हैं मंदिर को सजाने की तैयारी। और मेरे हस्बैंड ने मंदिर को सजाया है और कहा कि चलो देखो कैसा सजा है, कैसा लग रहा है। तो मैं देख रही हूँ मंदिर को, तो मंदिर तो अच्छा ही लग रहा है, सुंदर लग रहा है। मैं तो खाना बना रही हूँ और ये लोग मंदिर को सजा रहे हैं। तो मंदिर सजने के बाद अब करूँगी पूजन की तैयारी। शाम के 6 बजे के का मुहूर्त है ना, तो उस टाइम करेंगे हम मंदिर की। आज हम करेंगे पूजन मोबाइल से, मोबाइल के पंडित जी से। आज हमारे दीपावली का पूजन मोबाइल के पंडित जी करवाएंगे। तो नई शुरुआत की है आज, देखते हैं। पकड़े हमारा पूजन हो गया है। और मैंने सोचा चलो एक फोटो तो खिंचवानी बनती है, क्योंकि जब पूजन किया तो हम दिखाई नहीं दे रहे थे, मुंह पूजा की तरफ था। तो सोचा एक फोटो खिंचवा ले रहा। अब दिया लगाने की तैयारी चल रही है। जब पूजन खत्म हुआ तो अंधेरा हो चुका था, तो अब दिए रखेंगे। वैसे तो हमने बिजली की लाइट लड़ी लगा रखी है, लेकिन जो पारंपरिक तरीके से जो दिवाली का पूजन होता है वो बिना दियों के तो होता ही नहीं है। तो हम एक एक करके सारे दियों को छत पर रख के आएंगे और पूरे घर में रखेंगे। तो मैं इनको दियों को जला जला के इनको दे रही हूँ, ये लोग रख रहे हैं। ये देखिए बाहर कितनी रोशनी है सभी के घरों में, हमारे घर में भी खूब तेज़ रोशनी हो रही है, लड़ी लगी हुई है और ये दिए रख दिए हैं बच्चों ने। आज के दिन तो बाहर देखो ना, बहुत ही प्यारा दृश्य दिखाई देता है हर जगह। वैसे तो अमावस्या की रात अंधेरी होती है, बहुत काली होती है, लेकिन आज ये एक ऐसा त्यौहार पहला होता है, 365 में ये पहला त्यौहार मनाया जाता है जो अमावस्या को मनाया जाता है। और इस दिन अंधेरी रात में भी रोशनी होने लग जाती है। ये देखिए कितनी रोशनी दिखाई दे रही है। सभी के घरों में रोशनी दिखाई देती है आज के दिन। दुल्हन की तरह सजे होते हैं सभी के घर। और अब चलो नीचे चलते हैं। नीचे लोग, ये लोग खाना खा रहे थे, देखते हैं खाना खा रहे हैं कि गए नीचे, क्योंकि उनको ना पटाखे छुड़ाने की ज़्यादा जल्दी लगी हुई थी बच्चों को। तो देखती हूँ नीचे जाके। अब ये साइड में भी बहुत ज़्यादा रोशनी हो रही है। ये लोग खाना खा के जा चुके हैं। बेटे को तो इतनी जल्दी है कि वो खाना बीच में छोड़ के चला गया। बोल रहा था कि वापस आके खाऊंगा, पहले पटाखे छुटाऊंगा। और ये इधर बस मैं भी खाना खाऊंगी। ये हमारे मंदिर दीपावली पूजन के बाद कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत मुबारक। आशा है कि आप सभी ने भी बहुत हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पूजन किया होगा, इसलिए आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब करेंगे एक नए सफ़र की शुरुआत। तो नया सफ़र क्या है वो अगले वीडियो में पता चलेगा, यह है नेक्स्ट डे का। अब पूजन का सामान हटाऊंगी यहाँ से। चौकी को मैं आज नहीं हटाऊंगी, क्योंकि ये तो भैया दूज के दिन शाम को हटेगा, लेकिन बाकी का सामान जो फैला हुआ है उसे समेटूंगी। जो जोत का रखा हुआ है, फूल रिए जो सामान रखा है ना, इनको उठा उठा के
मैं रखूंगी ये जो फूल रखे हुए हैं इनको मैं अपने गमलों में गार्डन में डाल दूंगी ताकि नए फूल उग जाएंगे। पूजा के फूल है वैसे तो फेंक नहीं सकते इनको। चौकी को मैं आज नहीं हटाऊंगी, इसको भैया दूज के दिन शाम को हटाऊंगी, लेकिन शायद मेरे से उस दिन भी नहीं हट पाएगा क्योंकि आज शाम से ही नए सफ़र की शुरुआत करेंगे हम, कहीं जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं ये मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी आपको। लेकिन हाँ, पूरा परिवार बहुत ज़्यादा उत्साहित है और मैं तो उत्साहित हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे उत्साहित हैं क्योंकि आज पहली बार ऐसा हो रहा है जो हम कहीं एक साथ जा रहे हैं, पर पूरा परिवार जाएगा, बहन के बच्चे जाएंगे, बहन जाएगी और मम्मी पापा सारे जाएंगे। तो ये पहला है जो अपने नाते नातिन के साथ, मेरे मम्मी पापा भी जाएंगे और हम पहले ऐसे प्रोग्राम में जा रहे हैं जो अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ और भाई भतीजों के साथ जाएंगे। इसलिए कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्साहित है, शाम से ही तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी वहाँ जाने की। तो क्या क्या तैयारी कर रही हूँ ये शाम अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज का ब्लॉग तो मैं यहीं ख़त्म करूंगी और चल रही है मेरी बस सामान को समेटने की तैयारी, क्योंकि बिखरा हुआ है तो अब अच्छा भी नहीं लगता, भाई पूजन हो गया तो इसको हटा देते हैं। बाकी चौकी को मैं नहीं हटाऊंगी और बाकी सारा सामान मैं व्यवस्थित कर दूंगी, जो फूल ये रखे हुए हैं इनको समेटूंगी और जो खील पतासे ये थे इनको प्रसाद के रूप में बच्चों को दे दूंगी और जो फ्रूट रखे हैं वो उनको भी मैं बच्चों में बांट दूंगी और मैं भी खा लूंगी क्योंकि प्रसाद ही होते हैं ये भी, और प्रसाद तो सभी को खाना चाहिए, भगवान के पास भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद है ये, तो बहुत ही अच्छा होता है सभी के लिए, तो इसको सभी में बांट दूंगी मैं। हमारे यहाँ क्या करते हैं ना कि जो जब भगवान का दीपावली का पूजन करते हैं तो उस दिन जो खाना बनता है ना, पकवान बनते हैं, जो मिठाइयाँ आती हैं या घर में बनाते हैं और जो खील पतासे लेके आते हैं पूजन के लिए, वो सारा सामान हम भगवान के पास ही रख देते हैं पूजन करते समय, और पूजन करने के बाद फिर हम उनको खाते हैं। तो जो भी जितना भी सामान बनाया होता है घर में सारा पूजन में ही रखते हैं हम। तो मैंने उस पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने काजू कतली बनाई है और बालू चाय बनाई थी और क्या बनाया था, एक चीज़ और बनाई थी, गुलाब जामुन बनाई थी, और सारा सामान और जो आज बना था हलवा पूरी वो और खील पतासे, सारा सामान रख दिया था पूजन के सामान के साथ, और अब रात को खा लिया था जो सामान और बाकी अब बचा हुआ रखा है उन सबको समेट समेट के अपनी जगह पे रखूंगी मैं इनको। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अधिकतर सामान मैं घर पे बनाऊँ, क्योंकि इस समय मार्केट में सारा अधिकतर सामान में क्या आता है कि मिलावट आती है, तो मैं कोशिश करती हूँ घर में सारा सामान बनाने की। वैसे तो मैंने इतनी मिठाइयाँ बना ली थी लेकिन मार्केट से हम सिर्फ सोहन पपड़ी लेके आए थे और बाकी कुछ नहीं लेके आए थे क्योंकि उसमें मिलावट के चांस कम होते हैं, इसलिए हमने बस वही खरीदी थी मार्केट से और बाकी घर में ही बनाया था, और घर का बना हुआ तो खाना अच्छा होता ही है। और वैसे काजू कतली बहुत टेस्टी बनी थी, बच्चे बहुत बड़ाई कर रहे थे कि बहुत टेस्टी है। और अब हो गया है मेरा समेटने का भी काम पूरा, अब करेंगे शाम की तैयारी, जो कि कल सुबह हम जल्दी निकल जाएंगे 4 बजे ही, तो कल शाम से ही, आज के शाम से ही हमारा नया ब्लॉग शुरू हो जाएगा। और आप भी हमारे साथ चलिए नए सफर पे, देखते हैं क्या क्या होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।